अच्छा, कैसे हैं? अभी जो शेयर लेके मैं आया वो है वक्रांगी लिमिटेड, और वक्रांगी लिमिटेड में एक नया न्यूज आया है तो उसको लेके आपके पास आया हूँ। आपको ऑलरेडी मैं 2 वीक्स पहले बोला था इसको एवरेज कीजिए जिसके पास भी हो, और ये वक्रांगी पे मैंने आपको बना करके दिया था, ये वीडियो दिया था, और उस पर बोला था कि जिसको भी आपको यहाँ पे एवरेज करना है, ये 2020 का मल्टीपे अगर हो सकता है उस रस्ते पे ये निकल चुका है। ऐसा नहीं बोलता कि ये तुरंत ही अचीव कर लेगा, और आप ट्यूजडे को देखें तो यहाँ पे देखिए जब सेंटीमेंट इसका सबसे लो था 8% था, अब उल्टा क्या है, ओनली बायर्स इन वक्रांगी रहे। और अगर इसका मैं आपको वेटेड एवरेज दिखाऊँ, वॉल्यूम वेटेड एवरेज दिखाऊँ, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखिए, ये अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज से कहीं ज़्यादा प्राइस पे ये इसकी वॉल्यूम वेटेड 15-25-18 की आ रही है, और 25-35 पे ये क्लोजिंग दे रहा है, और एकदम अपर सर्किट लग के क्लोजिंग दे रहा है। तो चलिए, अब तो पकड़ना थोड़ा टफ है, लेकिन बहुत टफ नहीं है, बहुत ऊपर नहीं जाएगा ये। इसका 35 पे एक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक इसको 33 क्रॉस करेगा, वो 41 33-41 तक जा करके यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे रुकेगा, ये थमेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा रुक करके चलेगा, फिर उसके ऊपर ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ से ऊपर देखने को मिल सकता है। तो कोई हरवाने की बात नहीं है, बट चलिए न्यूज़ क्या आया वो ज़रूरी है जानना। न्यूज़ देखेंगे तो ये क्या आया, वक्रांगी क्लाइंट्स 5% आफ्टर EWA गिव्स क्लीन चिट ऑन प्राइस वॉल्यूम मैनिपुलेशन कंप्लेंट। EWA said it has not found any substance of the complaint and hence in closing the inquiry hereby given by cheat of the Wakrangi. एक कंप्लेंट फाइल की गई थी वक्रांगी के अगेंस्ट में कि ये प्राइस वॉल्यूम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो उसके चलते जो है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स ने इसकी इंक्वायरी चालू की थी, और उसमें पाया कि इसमें ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और अब ये लिखा हुआ है कि वक्रांगी से लॉक 5% अपर सर्किट 25-35 ऑन थर्सडे, थर्सडे को 5% के अपर सर्किट से क्लोजिंग किया है। तो ये हुआ क्या था कि एक कंप्लेंट वाज फाइल इकोनॉमिक ऑफिसर विंग्स अगेंस्ट द कंपनीज प्रमोटर मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ दिनेश नंदवाला जी के क्लेम, मतलब एक कंप्लेंट फाइल किया था, फाइल हुई थी इकोनॉमिक्स ये थे विंग्स EOW विंग्स को, EOW ने फिर उसके बाद इसकी इंक्वायरी चालू की। चालू करने के बाद कंपनी स्टडीज प्रोविडेंट ऑफिसर इंस्पेक्टर उसके बाद सारे जो भी उनसे क्यूरी की गई उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला, और उसके बाद उसके अनुसार EW ने उसी बेस्ट पे उसकी इंक्वायरी सेटअप की, और उसके बाद उसको क्लीन चिट यहाँ पे दे दिया। तो नंदवाना जी अब फ्री हो गए कि जो प्राइस मैनिपुलेशन है, जो प्राइस में कम बेसी हो रहा था उस पर क्लीन चिट इनको मिल गया। अभी एक ये न्यूज है। दूसरा, मैं आपको पहले भी बताया कि शेयर में तो दम है, अगर ये 515 से गिर के आया है 22 रुपये पे, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ खोने को है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ सीधा सर्किट लग करके आपको 500 पे पहुंचा देगा, दोनों चीज़ नहीं है, टाइम लगेगा इसमें। इसमें जैसे जैसे शेयर ये अपने ब्रांचेस को बढ़ाएंगे करेंगे, लेकिन अभी तो ये एक बार आपको 38 तक 40 तक तो दिखाएगा, 38 यहाँ से 38-40 तक का तो लेवल आपको मिलना चाहिए। और वॉल्यूम देखिए क्या हो गया, 80 लाख का वॉल्यूम चलाया, जो एवरेज वॉल्यूम इसकी 40-50 लाख की थी, इनफैक्ट डिलीवरी तो पहले से बन रहा था, आप देखिए 50-60% तो वॉल्यूम पहले से बन रहा था, तो 40-50 लाख की डिलीवरी तो चालू हो चुकी थी, और अब जाकर के जो उस दिन हुआ है 80 लाख का वॉल्यूम हुआ है ये NSE पे, 20 लाख का वॉल्यूम हुआ है BSE पे, ऑलरेडी दोनों जगह सेम 25-35 पे ही क्लोजिंग हुआ है। तो इसमें एक पॉजिटिव न्यूज है, और अब आप इसको आगे देख सकते हैं, आपको हो सकता है ये, और एक देखिए क्या पॉजिटिव ट्रेंड बनाया है इसने, ये बुलिश पैटर्न है, कंप्लीट हैमर है ऊपर बुलिश की तरफ, हैमर के साथ बॉडी देखिए इसका कितना है, विक्स कम है बॉडी ज़्यादा है, तो क्या सॉलिड बॉडी बना है। तो ये यहाँ से आपको वापस एक बार 33 और फिर यहाँ से 40 तक तो दिखाएगा, दिखाना चाहिए, ऐसा टेंटेटिव है कि यहाँ जा करके, और फिर यहाँ अगर क्रॉस करता है तो हम चेक कर लेंगे कि यहाँ से कहाँ जाता है, लेकिन ये टफ रेसिस्टेंस जोन है इसका, इतना ईजी भी क्रॉस करना नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ से इसको यहाँ पर शांत रहेगा। बट अब आपको जो भी अपर लेवल पे है उनको यहाँ से जैसे आपको बताया था एवरेज जरूर करना चाहिए। अगर आप 515 पे बाय कर सकते हैं तो आपको 20-25-40 रुपये में क्यों नहीं बाय कर सकते, आपने कॉस्ट को नीचे लेके आइए, वेल्थ बना सकते हैं आप इससे। तो 2020 का ये अगर इन्होंने 76,000-79,000 जो भी अपने ब्रांचेज को खोलने का प्रॉमिस किया है, जो कि मैं इस चैनल में आपको डिटेल दिया हूँ कितने चैनल खोलेंगे, क्या खोलेंगे दोस्तों, कैसे तो आप आज जो शेयर लिखा है वो वक्रांगी है। वक्रांगी तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 515 का हाई बनाया था और लो 22 का भी,
लेकिन ये चूंकि और ये 47% का शेयर हुआ करता था वहाँ से ऊपर उठ के तब गया मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पे और इसमें बहुत लोग फंसे हुए ऊपर से फंसे। ये 2020 का मल्टीप्लेयर क्या जो डायरेक्टर साहब है इसको 500 पे लेकर के फंसे हुए नंदवाना साहब। तो अब यहाँ पे सर होल्डिंग पर्सन में देखिएगा, इनका भी देख सकते हैं, पुराने वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसा करें। और अभी ये देखेंगे तो अपने 25-35 पे 80 लाख वॉल्यूम के साथ बाय सिग्नल के साथ क्लोजिंग दिया है। डिलीवरी अच्छी खासी हो रही है, बाय सिग्नल है और शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने कंटिन्यू मेंटेन रखा है। मार्केट इतना गिरने के बावजूद इन्होंने अपने देखिए सितंबर का रिजल्ट के बावजूद इन्होंने अपनी होल्डिंग परसेंटेज नहीं घटाई है। मिस इनको खुद बिलीव है इस कंपनी में, इसलिए ये होल्डिंग परसेंटेज नहीं घटा रहे। मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें फंड बनाया अपना, मोतीलाल ओसवाल ETF फंड ने भी इसमें 19 बाइंग की है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, अगर बड़ी कंपनियाँ और ब्रांडेड कंपनियाँ इसमें बाई अपना पोजीशन बनाती हैं तो ख़राब तो नहीं है। दिस इज नॉट ट्रेंडिंग इन दिस नवंबर को ही शायद इन्होंने ETF में शायद 22 नवंबर को ही बाई किया है इन्होंने, जो भी है 17 नहीं इन्होंने क्या किया है, इनकी वैल्यू है मोतीलाल ओसवाल पर, सॉरी ये हंड मोतीलाल ओसवाल ETF की वैल्यू है, क्या फंड का वैल्यू चल रहा है। तो कोई बात नहीं है, करने दीजिए, आपको चाहिए आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल वगैरह सारे मैं उस रिपोर्ट में आपको पहले एक बार बता चुका हूँ, तो वापस बताने की मुझे लगता नहीं, आप उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो अच्छा नहीं, दूसरों का टाइम ख़राब होता है इसमें, जो ऑलरेडी उस वीडियो को देखे हैं उनका टाइम ख़राब होगा। फिर भी ये क्वार्टर रिजल्ट से भी आप देखेंगे तो इनका कोई रिजल्ट मैं एक बार वापस बता दूँ तो कोई बहुत ठीक है, इन्हें जून के कंपेरिजन में इनका सेल बहुत घटा था, ऐसा नहीं, अच्छा खासा इम्पैक्ट तो पड़ा था और निगेटिव रिटर्न गया था, जहाँ 280 करोड़ का प्रॉफिट था वहाँ -18 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इनको ऐसा नहीं कि वाइज, जैसा मैंने आपको बोला कि एक दिन में कोई इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ये सर्किट लगेगा 40 तक जाएगा, 40 के बाद से फिर से आपको नीचे मिलने को मिलेगा, आपको आराम से मिलेगा। तो कुछ इसमें बहुत कुछ खोने को नहीं है, मिलेगा आपको, ज़रूर मिलेगा। आप इसमें बाइंग पोजीशन बना के आगे के लिए 2020 के लिए रख सकते हैं, ये ऊपर नीचे दिखाते रहेगा। फिर भी अगर कोई पोजीशन आपको बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें, बाय कर तभी डिस्कस करें, ये सारे एजुकेशन पर्पस है ये वीडियो मैंने आपको बताया। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, नीचे हुए दिए बटन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, मैं आपके सामने ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।